नमस्कार, लोकतेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की बात मीत मिश्रा के साथ लेकर हाजिर हूं। भाई, कभी ये गौर फरमाया है कि कई लोगों को मच्छर बड़े ज़्यादा काटते हैं, उनको कुछ ज़्यादा ही काटते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खुली जगह में बैठने के बजाय उसके अलावा भी मच्छर उनको काटते नहीं है। हमें ताज्जुब होता है कि यार, हमारे खून में क्या शहद है जो मच्छर हमारी ओर खींचे चले आते हैं, और वहीं पर दूसरे लोग हैं उनके खून में क्या जहर है कि मच्छर उनको काटने ही नहीं जाते। तो भाई, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है, और ये साइंटिफिक रीज़न जब मैं आपको समझाऊंगा तो आप भी जान जाएंगे कि तरह से आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। आपको भी दिन में 2-3 दफा नहाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी त्वचा पे जो बैक्टीरिया होते हैं और वो जो आपकी त्वचा से जो भी रसायन निकलते हैं उसके साथ जो वो सांद्रता क्रिएट करते हैं, बाष्पीभवन जो करते हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मच्छर जो हैं वो आपकी ओर आकर्षित होते हैं। मतलब मच्छर आपका खून पीने के लिए, यूँ कहते हैं ना, कि खींचे चले आते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये बात कि वैज्ञानिकों का ऐसा मत है कि हमारे आसपास जो हमारे शरीर के आसपास जो एक वायुमंडल है उसकी वजह से मच्छर कहीं ना कहीं हमारी ओर खींचे चले आते हैं। ख़ास तौर पे मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से खींचे चले आते हैं, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी त्वचा से हमारे शरीर से बाहर निकलता रहता है, इसकी वजह से हमारे आसपास जो एक निजी वायुमंडल क्रिएट होता है उसकी वजह से मच्छर हमारी ओर आकर्षित होते हैं। सबसे पहले तो मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपने शिकार को ढूंढते हैं। हम जो सांस छोड़ते हैं उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में होती है, यह कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत आसपास की हवा में विलीन नहीं हो जाती, बल्कि कुछ समय तक हमारे आसपास ही टिकी रहती है, और मच्छर इस कार्बन डाइऑक्साइड के सहारे आपकी ओर बढ़ते हैं। तो भाई, आप जो सांस छोड़ते हैं और उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो आपकी ओर, मतलब मच्छर को आकर्षित करते हैं। मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता की ओर रुख करते उड़ते रहते हैं, जो उन्हें आपके करीब ले आता है। देखा गया है कि मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता की मदद से 50 मीटर दूर से अपने शिकार को भांप सकता है। यह तो हुई सामान्य सी बात। कार्बन डाइऑक्साइड के पैमाने पर तो सारे मनुष्य लगभग बराबर होंगे, पर और कौन सा रीज़न है जो थोड़ा अंतर क्रिएट करता है, थोड़ा भेदभाव क्रिएट करता है? वैज्ञानिकों का मत है कि इस मामले में मच्छर कई चीज़ों का सहारा लेते हैं। इनमें त्वचा का तापमान, व्यक्ति के आसपास मौजूद जल वाष्प और व्यक्ति का रंग महत्वपूर्ण है। मगर सबसे महत्वपूर्ण अंतर उन रसायनों से पड़ता है जो व्यक्ति की त्वचा पर उपस्थित सूक्ष्म जीव हवा में छोड़ते रहते हैं। यानी कि बात कर रहा हूँ मैं बैक्टीरिया की, जो हमारे पसीने के साथ निकलने वाले रसायनों का बाष्पशील रसायनों में तब्दील कर देते हैं, और मच्छर जो हैं हमारी आसपास की हवा में जो ये रसायन तैरते रहते हैं उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो जब मच्छर व्यक्ति से करीब 1 मीटर दूर पहुंच जाता है तो वह इन रसायनों की उपस्थिति को अपने गंध संवेदना तंत्र से ग्रहण करके इनके बीच भेद कर सकता है, और सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न इस रासायनिक गुलदस्ते में 300 से ज़्यादा यौगिक पाए जाते हैं, और यह मिश्रण व्यक्ति की जेनेटिक बनावट और उसकी त्वचा पर मौजूद सूक्ष्म जीवों से तय होता है। तो भाई, आपकी जेनेटिक बनावट भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, और साथ साथ में मैंने कहा कि आपके त्वचा पे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो भी इसमें बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। 2011 में +1 पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन का निष्कर्ष ये था कि जिन इंसानों की त्वचा पर सूक्ष्म जीवों की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है उन्हें मच्छर कम काटते हैं। मतलब कि यानी कि आपके त्वचा पे बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे तो आपको मच्छर कम काटेंगे। कम सूक्ष्म जीव विविधता वाले लोग मच्छरों से ज़्यादा लुभाते हैं। मतलब कि बैक्टीरिया अगर आपकी स्किन पे कम है तो मच्छर काटने के ज़्यादा आसार रहते हैं। और तो और ये भी देखा गया है कि जो कम सूक्ष्म जीव विविधता वाले जो लोग होते हैं उनकी स्किन पर लेप्टोट्रिचिया, डेल्फिटिया, एक्टिनोबैक्टीरिया, GP3 और स्टेफिलोकोकस ये पाए जाते हैं। दूसरी ओर भरपूर सूक्ष्म जीव विविधता वाले जो लोग होते हैं उनकी स्किन पे ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, स्यूडोमोनस और वेरियोरेकिस। भाई, नाम बड़े खतरनाक है। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के जेफ रिफेल का कहना है कि इन रासायनिक गुलदस्तों का संगठन छोटे मोटे परिवर्तनों से मच्छरों द्वारा काटे जाने की संभावना में बहुत अंतर पड़ता है, और वही व्यक्ति बीमार हो तो वह संगठन बदल भी सकता है। तो आप समझ गए कि किस तरह से आपकी जेनेटिक बनावट, आपकी त्वचा पे जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन चीज़ें जो मिलके मच्छर को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो भाई, ऐसी जानकारी आपके लिए लोकतेज में हम लेकर आते रहेंगे। बस आपसे यही उम्मीद है कि आप ऐसी जानकारी के लिए लोकतेज के साथ जुड़े रहें, और आज की बात मीत मिश्रा के साथ ये बात
यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।